हेलो गाइस, फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। गाइस, कल से लगातार बारिश होने की वजह से आज अपना गुटेर फूले का जो फूल है वो लगभग उसके ऊपर से पानी जाने की संभावना है। गाइस, देख सकते हो मैं अभी फूल के पास खड़ा हूँ। अभी मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊँगा, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइस, देख सकते हो इतिहास में पहली बार हो रहा है। हम लोग जब तक पैदा हुए हैं तब तक ऐसा रौद्र रूप इस नदी को नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ चुका है आज ये आप देख रहे हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब कैमरे से मेरे पीछे में देख रहे हो हल्का हल्का पानी। अभी पुल पार होने के लगभग सिर्फ 1 मीटर बचा है। अगर और बारिश होता है लगभग 4-5 घंटे और बारिश होता है तो यहाँ पर पुल के ऊपर पानी जाने की संभावना है। तो गाइस, यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रहा है, पिछले लगातार 10-12 घंटों से बारिश हो रही है। गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पीछे में पूरा पानी है और मैं छत्ता ओढ़ के वीडियो शूट कर रहा हूँ। सुबह का 7 बजा हुआ है, आप देख सकते हो रोड के उस पार भी लोग काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, क्योंकि पुल के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा पानी आ चुका है, वहाँ जाने के लिए डर रहे हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो इधर, मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। इतना रोड रुका पहली बार हुआ है कि यहाँ पर इतना पानी गिर रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हो, अभी मैं आपको बैक कैमरे से पीछे दिखाता हूँ। ये गुटेर नदी है, नेशनल हाईवे NH-13 है जो जगदलपुर से आंध्र की ओर जोड़ता है। गाइस, आप देख सकते हो लगता है सुकमा जिला में फिर से रोड जाम हो सकता है पानी की वजह से। गाइस, सुकमा जिला का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो उनका उसी में पड़ता है ये पुल। तो आपको दिखाऊंगा यहाँ पर ये पुल के ऊपर से पानी अभी जाने को है। तो गाइस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बैक कैमरे से, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और इतना मूसलाधार बारिश हो रही है कि यहाँ पर जाना मुश्किल है। गाइस, मैं आपको ये ब्लॉग दिखाना चाहता हूँ, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और अब मैं आपको दिखाऊँगा। ये देख सकते हो गाइस, देखिए पुल के नीचे से कुछ इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा, कुछ ही फीट बचे हैं पुल के ऊपर से पानी जाने के लिए। देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइस, पुल के नीचे का पीछे साइड का व्यू है। देख सकते हो कितना भयानक रूप ले चुका है गुटेर नाला। यहाँ पर आता है प्रतापगिरी वाटरफॉल का पानी और जीरम घाटी का पानी। देख सकते हो गाइस, काफ़ी आ रहा है पानी और अभी और भी आने की संभावना है। अगर लगातार ऐसी बारिश होती रही तो पूरा पुल डूब जाएगा। आप देख सकते हो बारिश और पानी की आवाज़ की वजह से शायद आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ नहीं रही हो, लेकिन ज़बरदस्त माहौल यहाँ का गाइस देख सकते हो। अभी मैं आपको पुल के बीचे बीच जाके आपको दिखाऊंगा वहाँ का व्यू। देख सकते हो इधर पुल के किनारे से कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ पुल के बीच में, तो गाइस आप वीडियो में बने रहिए, आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। गाइस, देखिए इधर चार वार का कुछ इस प्रकार का है। आप देख सकते हो इतिहास में पहली बार पानी आया हुआ है। देख सकते हो पीछे का व्यू है। देख सकते हो मैं रेनकोट पहने वीडियो शूट कर रहा हूँ, इधर मेरे किसी मेरे काफ़ी सारे जन आए हुए हैं। आप देख सकते हो गाइस, क्या ज़बरदस्त व्यू है इधर का। मुझे डर लग रहा है खड़े होने के लिए भी। ओ देखिए गाइस, लगभग यानी कि 2 फीट बचा है यहाँ पर पुल के ऊपर पानी जाने से। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देख सकते हो गाइस इधर पुल के ऊपर में, इधर पूरा पहले खेत मनता यहाँ पर अभी पूरा ऐसा लग रहा है पूरा नदी है। देख सकते हो यहाँ पर पूरा धान लगा हुआ था खेत और इधर पूरा पानी भर चुका है। गाइस, देख सकते हो काफ़ी नुकसान हो चुका है किसान भाई लोगों को, आप वीडियो में देख सकते हो।
गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।